Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आठ के बी ए मैनुअल स्टेबलाइजर, ये डिमांड है हमारे सब्सक्राइबर का। उन्होंने ये मांगा था आठ नंबर कोर में ही, पाँच आठ के बी के लिए। तो मैंने इसे आठ नंबर कोर में बनाया है और इसका जो स्टैकिंग हाइट है वो है 5 इंच, यानी स्टैकिंग हाइट कोर का, लेकिन इसका बोबिन भी 5 इंच ही होगा, 5 इंच। और ये मैंने बनाया है 140 वोल्ट से 280 वोल्ट के लिए, क्योंकि इतने कम एरिया में यहाँ 90 या 110 से बनना संभव नहीं है, इसलिए मैंने 140 वोल्ट से 280 वोल्ट के लिए उनके डिमांड के हिसाब से ये बनाया है, 5 इंच कोर के हिसाब से। इसमें आपको प्राइमरी वाइंडिंग जो स्टार्ट करना है ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 115 टर्न आपको देना है, और ये होगा 12 SWG। और ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग निकलेगा यहाँ से, फर्स्ट लूप, ये फर्स्ट लूप हो गया, और यहाँ से ये सेकेंड लूप हुआ। ये सभी आपको 14 टर्न देना है, 14 टर्न, इस तरह से आठों लूप जो है वो निकलेगा। फिर ये 14 टर्न पे लूप निकलेगा, और ये भी, ये सभी 14 टर्न पर निकल जाएगा। इसमें आपको प्राइमरी में जो 12 SWG लेना है, और यहाँ से जो वाइंडिंग फिर शुरू होगा ये इस लूप के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से जो वाइंडिंग शुरू होगा इस लूप से फिर अटैच होगा, और ये टोटल गेज 9 SWG आपका आएगा। इसमें अप्रोक्स में एक वेट भी बतला दे रहा हूँ, ट्वेल्व SWG ये जो है 3 kg आएगा इसमें, यानी 12 SWG का जो वायर वेट होगा वो 3 kg होगा, और 9 SWG का लगभग 6 kg होगा। और इस 5 इंच कोर का वेट, कोर का जो वेट आप लेंगे वो आप लेंगे 23 kg, चूँकि थोड़ा सा कोर के क्वालिटी में अंतर होने से 1 किलो का प्लस माइनस हो भी सकता है, और कोशिश करेंगे C6 क्वालिटी का लेने का। ये यही रेंज में आएगा, 23 kg में ये ट्रांसफार्मर पूरा आपका रेडी हो जाना चाहिए, 23 kg ये, और बाकी ये वायर का वेट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे, धन्यवाद।